नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Xiaomi Poco M3 Pro 5G versus Realme 9 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो M3 Pro 5G में 6.37 इंच जबकि Realme 9 5G में 6.4 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो M3 Pro 5G में 2.96 इंच जबकि Realme 9 5G में 2.94 इंच की विड्थ मिलती है जो कि M3 Pro 5G से कम है। बात करें थिकनेस की तो M3 Pro 5G में 0.35 इंच जबकि Realme 9 5G में 0.33 इंच की थिनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो M3 Pro 5G में 190 ग्राम जबकि Realme 9 5G में 188 ग्राम का वेट देखने को मिलता है जो कि सेम जैसा ही है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। बात करें डिस्प्ले साइज की तो दोनों फोन में सेम ही 6.5 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो M3 Pro 5G में 83.72% जबकि Realme 9 5G में 83.92% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो दोनों फोन में सेम ही 405 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो M3 Pro 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Realme 9 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो M3 Pro 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Realme 9 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU दोनों फोन में सेम ही माली G57MC2 देखने को मिलता है। चिपसेट की बात करें तो M3 Pro 5G में MediaTek Dimensity 700MT6833 और Realme 9 5G में MediaTek Dimensity 810 मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 2 वेरिएंट देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 4GB 6GB की RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं वो दोनों फोन में सेम ही 2 वेरिएंट देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 64GB 128GB की स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो M3 Pro 5G में 3 कलर्स जबकि Realme 9 5G में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो M3 Pro 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं जो कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 15,990 रुपीस, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 16,499 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें Realme 9 5G की तो उसमें 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं जो कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 14,999 रुपीस, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 17,499 रुपीस में मिलते हैं।
दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Xiaomi Poco M3 Pro 5G में 3 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है। जबकि बात करें Realme 9 5G की तो उसमें 8 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में M3 Pro 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo V21e 5G है, दूसरा Motorola H20 Fusion है, तीसरा OnePlus 9 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें OnePlus 9RT है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।